अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले सबसे पहले। शुक्रिया। वो किले के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और जानता था कि मस्तवा उसे किसी भी वक्त आवाज देगी। तब अचानक ही करतास उसके साथ हाँ मिला था। सलाजार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। बताएं आज हम किस सरहद पर जाएंगे? वो बोला, इश्क की सरहद पर। वो हवा में ठहर कर मुस्कुराया। करतास रुक कर सोचने लगा, ये कौन सा इलाका है? ये सलाजार से शुरू होकर मसनवा पर ख़त्म होने वाला इलाका है। मसनवा? वो हैरान हुआ, ये क्या है? आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर हवेली की तरफ बढ़ रहा था, तब करतास एक जगह आकर रुक गया। ठहरें सलाजार, हम अपनी हद से आगे निकल रहे हैं। शाह साहब ने यहाँ से आगे जाने से मना किया हुआ है। वो बोला, तो तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। वो ये बोलकर उससे आगे निकल गया था। शाह साहब नाराज़ होंगे सलाजार। वो उसे रोक तो नहीं सकता था, लिहाजा उसने शाह साहब की नाराज़गी का हवाला दिया। वो जानते हैं और उनके बाद सिर्फ तुम जानते हो। अगर तुम चाहो तो वापस जा सकते हो, मैं आ जाऊँगा। वो ये बोलकर आगे बढ़ रहा था। आप जाएं, मैं यहीं खड़ा हूँ। करतास को सलाजार के साथ रहने का हुक्म दिया गया है, वो बोला। सलाजार मुस्कुराकर हवेली की तरफ बढ़ गया था, जबकि करतास वहीं खड़ा रहा। वो नहीं जानता था कि सलाजार वहाँ क्यों गया है, पर वो ये ज़रूर जानता था कि सलाजार कुछ गलत नहीं कर सकता। वो सलाजार पर नज़र रखने के लिए उसके साथ नहीं था, बल्कि उसकी मदद के लिए उसके साथ था। लिहाजा वो उन्हीं सरहदों के पास चक्कर काटने लगा। वो हवेली की छत पर पहुंचा था और आज भी मसनवा ने पलट कर देखा था, गो के वो किसी पर भी जाहिर नहीं हुआ था, पर वो हैरान ज़रूर हुआ था। वो उसकी खुशबू और उसकी मौजूदगी को उसके जाहिर ना होने से भी महसूस कर सकती थी। उसे अंदर से ये यकीन हो चला था कि वो उसी के लिए बनाई गई थी। वो एक नज़र छत पर डालकर दोबारा मसरूफ़ हो गई थी। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गया, इंतज़ार और फिर शिद्दत से इंतज़ार। सलाजार भी मस्तवा की तरह नई नई कैफियात से रोशनास हो रहा था। और फिर कितनी ही देर के बाद वो अपने कमरे में आई थी। उसने कमरा बंद करके उस खुशबू को अपने अंदर उतारा। मैं जानती हूँ तुम बहुत देर से यहाँ हो, वो बोली। वो उसके सामने जाहिर हुआ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? इस दफ़ा सवाल सलाजार ने किया था। तुम्हें पता है तुम्हारे वजूद से खुशबू उठती है? जानता हूँ, शाह साहब भी यही कहते हैं, वो बोला। वो शाह साहब के जिक्र पर चौंकी थी। तुमने मुझे कहाँ देखा था सलाजार? वो चलती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उस दिन जब तुम शाह साहब के हुजरे में आई थी, मैं वहीं मौजूद था, वो बोला। तुम्हें मेरी क्या बात अच्छी लगी? उसका दिल आज सारी बातें जानना चाहता था। तुम्हारी खुशबू, मैं खुशबू के पीछे बाहर निकला था, वो उसे बताने लगा। आज मत जाना, हम सारी रात बातें करेंगे, वो कहने लगी। हालांकि वह सारे दिन की थकी हुई थी, पर सलाजार को देखते ही उसकी सारी थकन खत्म हो गई थी। क्या बातें करेंगे? वो पूछने लगा। बस जो मैं पूछूं तुम जवाब देना, और जो तुम पूछोगे वो मैं जवाब दूंगी, वो उसकी आंखों में देख रही थी। सलाजार ने अपनी नज़रें झुका ली। क्या हुआ? वो बेचैन हुई। तुम मेरी आंखों को ज़्यादा नहीं देखा करो, तुम्हारी आंखों में मेरी शबीह दिखने लगेगी। मैं नहीं चाहता कि लोगों को इतनी जल्दी पता चले, उसने नज़रें दोबारा उठा ली। और अगर जल्दी पता चलेगा तो क्या होगा? वो फिर से उसकी आंखों के शहर में खो रही थी। शायद हमारा मिलना मुश्किल होने लगे, उसे ये बोलते हुए मुश्किल हुई थी। मगर तुम्हारे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं, तुम तो हर जगह आ जा सकते हो। मसनवा का दिल डूबा था। फिर कभी समझाऊंगा, वो बोला। मैं तुम्हें छू लूं? वो उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। नहीं, रुको, अभी नहीं। मैंने शाह साहब से वादा किया है कि मैं किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। मगर मुझे तुम्हें छूने से तकलीफ नहीं होती, उसने एहतजाज किया। वो इस बेखुदी को महसूस करना चाहती थी। उसके वजूद से उठती महक में खोकर इस दुनिया को बुला देने का वो एहसास सबसे अलग था। मत करो मसनवा, मत करो मसनवा, वो बोला। वो खामोश होकर उसे देखने लगी। फिर ना जाने कितने ही लम्हे गुजर गए। क्या तुम चीज़ें भी गायब कर सकते हो? ये सवाल सुनते ही वो हंस पड़ा था। मैं करतब नहीं दिखाया करता, काश वो उसको बता सकता कि वो क्या था। तो क्या करतब दिखाने वाले जिन अलग होते हैं? वो हैरान होकर पूछने लगी। वो अपने आप को उसके हर उल्टे सीधे सवाल के लिए तैयार करने लगा। करतब दिखाने वाले नहीं, वो बच्चे होते हैं, शरारत करते हैं, वो बोला।
तुम्हारी उम्र क्या है? वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। बताऊंगा कभी, वो उसे क्या बताता? वो मुसलसल उसकी आंखों को देख रही थी। सलाजार ने अपनी आंखों का जाविया बदला। मैं इस वक्त को तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, किसी सवालों जवाब में ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई भी ऐसी बात जिसे जानकर तुम मुझसे दूर हो जाओ उसके बारे में हम बात करें। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कोई भी बात जानकर तुमसे दूर नहीं होंगी सलाजार। तुम्हें पता है यहाँ आने से पहले मुझे ख्वाब आया करता था जिसमें मैं बर्फ़ज़ारों में भागती जाती थी। मेरे पैर बर्फ़ से सर्द पड़ने लगते थे और फिर कोई मेहरबान हाथ मुझे बचा लेते थे। और जब मैं इस हवेली में आई तो मुझे उस मेहरबान शख्स का चेहरा नज़र आया था। जानते हो किसका चेहरा था? वो इसकी आंखों में दोबारा देखने लगी। उसने बेबस होकर दोबारा उस पर नज़र डाली। किसका? वो जानना चाहता था। तुम्हारा। तुम्हें देखने से पहले मैंने तुम्हें अपने ख्वाबों में देखा है। शायद इसीलिए तुम्हें देखते ही मैं अपने हवासों पर काबू नहीं रख सकी थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे उससे मिला दिया गया है जो सिर्फ मेरे लिए ही बना है। वो बोलती गई और वह मुजस्मे हैरत बना यह सब सुन रहा था। इसका मतलब था कि ये लिख दिया गया था, पर यह तो इस ख्वाब का पहला हिस्सा था और वह दोनों अंजाम से बेखबर थे। मैं चलता हूँ। सलाजात की कैफियत अजीब हो रही थी। तुम आओगे ना दोबारा? वो उसे देखते हुए बोली। सलाजार ने इस बात में सर हिला दिया। मेरे आवाज़ देने पर मजबूर होकर? मैं मजबूर होकर नहीं आता। सलाजार यहाँ मसनवा के लिए आता है और वह यहाँ बगैर किसी मजबूरी के आता रहेगा, यहाँ तक कि वह फना ना हो जाए। वो ये बोलकर हवा में तहलील हो गया था और मसनवा को लगा था कि वो हिल भी नहीं सकेगी। सलाजार, सलाजार, उसने आवाज़ लगाई, पर वो वहाँ मौजूद नहीं था। वो जा चुका था। मसनवा का दिल बुरी तरह बेचैन हुआ। उसने सांस लेकर उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारना चाहा, मगर उसकी खुशबू भी कमरे में मौजूद नहीं थी। वो इससे ऐसी बात करके क्यों गया था? वो मुकद्दर की हुई हद पर पहुँचा। वहाँ उसे करतास पहरा देता नजर आया था। आ गए आप? करतास बोला। हाँ, वो बोला, आओ सरहदों पर चलें। और करतास उसके साथ चल पड़ा। उसे मसनवा की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। उसे लगा जैसे उसका वजूद जगह जगह से चटक रहा हो। वो एक जगह रुक गया। क्या हुआ सलाजार? करतास उसे रुकता देखकर पलट आया था। कुछ नहीं, वो जैसे बर्दाश्त की आखिरी हदों पर था। क्या बात है, आप ठीक तो हैं? वो उसकी हालत देखकर परेशान हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो इतना ही बोल सका। चलें किले वापस चलते हैं, या आप कहते हैं तो मैं वहाँ से किसी को बुलाता हूँ। वो उसको देखकर फिक्रमंद था। बिल्कुल नहीं, इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे, वो बोला। जैसे आप कहें। वो तो बस सलाजार का हुक्म मानकर चलने वालों में से थे। शायद वो उसे आवाज़ देते देते थक गई थी और उसकी पुकार बंद हो चुकी थी। चलो अब मैं ठीक हूँ, ये कहकर वो उसे आगे निकल गया था। करतास थोड़ी देर वहीं रुका रहा और फिर तेज़ी से सलाजार के हमरा हो लिया। वो काफ़ी देर खिड़की से लगी किले की तरफ देखती रही, मगर वो वापस नहीं आया था। आज वो उसके बुलाने पर भी नहीं आया था। इतनी जल्दी उसने अपना वादा तोड़ दिया था, मगर क्यों? वो उससे फना होने वाली एक बात करके क्यों गया था? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज तो वो उससे सारी रात बातें करना चाहती थी। अब कहाँ ढूंढे, किसको बताए? बेबसी ही बेबसी थी। वो आकर बेड पर लेट गई। उसका चेंज करने का दिल नहीं था। सलाजार को सोचते और याद करते उसे नींद ने आ लिया। उसने आंखें मूंद कर उसे देखा। वो सो चुकी थी। सलाजार को तकलीफ का एहसास हुआ। एक बात पूछूं सलाजार? अचानक करतास की तरफ से सवाल आया था और उसने इस बात में सर हिला दिया। आप हवेली क्या करने गए थे? वो बोला। एक वक्त आता है जब अल्लाह की बनाई मखलूक पर थकन गालिब होने लगती है। तो बस जब सलाजार पर थकन गालिब होने लगी तो वो जीने के लिए नए बहाने ढूंढने लगा, क्योंकि मकसद तो उसके पास बहुत पहले से था। बस यूं समझो कि मैं थकने से पहले अपने वजूद को खुद ही पिघला रहा हूँ, वो बोला। करतास को तो सलाजार की आम बातें समझ नहीं आती थीं। वो ये बात भला कैसे समझता? खामोशी से सर हिला दिया। मगर मैंने तो आपको वहाँ से आने के बाद बहुत तकलीफ में देखा था। थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं गया, सो पूछ लिया। वो तकलीफ़ नहीं थी, मैं देखना चाह रहा था कि शाह साहब की बात कितनी सच है। वो मुस्कुराया। कौन सी बात? करतास बोला।
वो कह रहे थे कि अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके बारे में सलाजार को ये कहना पड़े कि उसकी बर्दाश्त से बाहर है। वो बोला, फिर आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगी? वो शाह साहब की बात पर मनोअन यकीन रखता था। वो सच कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो, पर शायद सिर्फ आज तक, आज के बाद सलाजार अपनी बर्दाश्त खो देगा। वो बोला, करतास को उसके इस जुमले से बेइंतहा खौफ महसूस हुआ। उसने सलाजार को बर्दाश्त खोते देखा था। उसकी एक दो लड़ाइयों में वो उसके साथ था, मगर बहुत पीछे। पर उसने देखा था, जब वो अपनी बर्दाश्त खो देता था तो उसे अपनी जान की फिक्र भी नहीं होती थी। करतास खामोश हो गया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? सलाजार बोला, मुझे आपसे डर लगता है, वो बोला, और सलाजार हंस पड़ा था। ये तो मैं जानता हूँ, कोई नई बात बताओ। और जवाब में करतास भी हंस पड़ा था। वो सरहदों की तरफ महवे परवाज थे और सलाजार वहाँ उठती लाल आंधी देख कर चौंका था। उसका शक सही था, हवेली से वो यही महसूस करके निकला था। अगर आज वो मसनवा की आवाज़ देने पर वापस पलट जाता तो शायद वो अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाता, क्योंकि सलाजार के लिए फ़र्ज़ हर चीज़ से पहले आता था। वो करतास को वहीं रोककर उस लाल आंधी में दाखिल हो गया था। करतास ने उस तूफ़ानी आंधी को देखा। वो जानता था कि अब सिर्फ वहाँ से सलाजार ही बाहर निकलेगा। वो तहज्जुद की नमाज पढ़कर सलाम फेर रहे थे कि उन्हें सलाजार की खुशबू आई। आमतौर पर वो इस वक्त नहीं आता था। उन्होंने सलाम फेरा और उसे आवाज़ दी, क्या हुआ, आज इस वक्त कैसे आए? वैसे भी वो उससे नाराज़ नहीं रह सकते थे। मैं आज करतास के साथ सरहदों पर था, गिलान से कुछ लोग इस तरफ आए थे, पर अब वो मौजूद नहीं। लेकिन अब वो पूरी ताकत से आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हारूत को शिकस्त कबूल करना मुश्किल लगता है। मैंने अजलान से कहा है कि वो दिन और रात में इस पहरे सख्त करवा दें, आप भी एहतियात कीजिएगा। वो बोला, तुम हो तो मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, चाहे हारूत पूरे कबीले के साथ ही क्यों ना आ जाए। वो मुस्कुराए, आपका एतमाद मुझ पर बहाल हुआ, मुझे अच्छा लगा। वो बोला, मेरा एतमाद तुम पर से कभी कम नहीं हुआ सलाजार, मैं अगर कोई बात बोलता हूँ तो तुम्हारी फ़िक्र में बोलता हूँ, किसी चीज़ से रोकता हूँ तो उसके पीछे तवज्जो तुम्हारी सलामती होती है। वो बोले, आप सही कहते थे, मुझे कोई चीज़ भी मजबूर नहीं कर सकती, पर आप जानते हैं आज मुझे उस तरफ जाते हुए तकलीफ़ हुई थी, वो मुझे आवाज़ दे रही थी और मैं रुका नहीं। वो अपना दिल उनके सामने खोल के रख रहा था, वो उसे देख कर रह गए। मैं जानता हूँ सलाजार अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट सकता, उन्होंने दानिस्ता उसका जिक्र नहीं किया। सलाजार अपने वादे से भी नहीं फिरता, और मैं उसे यकीन दिलाकर आया था कि जब वो मुझे आवाज़ देगी मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। उसने फिर से उसका जिक्र किया और उन्होंने खामोशी से नज़रें झुका ली। सलाजार की मोहब्बत ऐसी नहीं कि किसी को उसके बारे में बात करने के बजाय अपनी नज़रें झुकानी पड़े। न जाने उसके लहजे में क्या था कि उन्होंने अपनी नज़रें उठाईं, पर वो उससे पहले ही वहाँ से जा चुका था। उन्हें दुख हुआ, वो अपना दिल उसके सामने खोल कर रख रहा था, पर वो उस बारे में बात करने से हिचकिचाए नहीं थे। वो उसे कुछ वक्त देना चाह रहे थे। उन्हें मालूम था कि उसे समझाने का इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर इस बार वो उनसे नाराज़ होकर गया था। उनका दिल उदास हुआ। वो शाम को उसकी तरफ जाने का इरादा करके दोबारा जानमाज की तरफ मुतवज्जो हो गए। उन्हें सलाजात के लिए बहुत कुछ मांगना था। वो वहाँ से निकलकर हवेली आ गया। उसका वजूद रात से तकलीफ में था और अब उसे उसकी दवा करनी थी। उसने टेरेस का दरवाज़ा खोल दिया। अभी फजर में वक्त था। वो अपने बेड पर नीम दराज थी, शायद वो बेड से टेक लगाए ही सो गई थी। वो जिस हालत में उसे छोड़ कर गया था वो उसी हालत में ही सो गई थी। उसे अजीब कैफियत ने घेर लिया, दुख या मलाल। बाहर से आते हवा के झोंकों से उसके चेहरे पर पड़े बाल उड़े थे और वो चांद सा चेहरा उसके सामने रोशन हो गया था। वो मबहूत सा होकर उसे तकता रहा। आज शिद्दत से उसे छूने की ख्वाहिश उजागर हुई थी। मस्तवा को नींद में अपने चेहरे पर तपश महसूस हुई थी और फिर उसके वजूद पर वो खुशबू हावी होने लगी। उसने आंखें खोल दीं, वो उसके सामने खड़ा था। उसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रही हो। उसने अपनी आंखें मली, मगर वो वहीं मौजूद था। उसने उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा और वो उसकी इस अदा पर हमेशा ही मुस्कुरा दिया करता था। तुम आ गए सलाजार, उसकी आंखें चमकी थीं। और जाता भी कहाँ, वो बोला, पर तुम अपनी बात पर कायम रहने वाले नहीं हो, मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ें दी, तुम नहीं आए। वो शिकवा कर रही थी, मैं यहाँ ना होकर भी यहीं था मसनवा, बस सलाजार अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटता। वो बोला, कैसा फ़र्ज़, वो पूछ रही थी। फिर कभी बताऊँगा, इस वक्त वो सिर्फ उसे देखना चाहता था। तुम फना होने की बात क्यों कर कर गए थे, तुम लोग भी फना होते हो,
मुझे बताओ। वो अभी तक नाराज़ थी और इस पर रोब जमा रही थी। वो हंस पड़ा। ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ पर रहने वाली हर मखलूक फना होगी और मैं भी उन्हीं मखलूकात में शामिल हूँ, वो बोला। तुम वादा करो कि आइंदा ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं करोगे। तुम जानते हो मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। वो चलती हुई उसके करीब आ रही थी। वो पीछे हटने लगा। वो रुक कर उसे देखने लगी। तो क्या अब तुम मुझे खुद को छूने भी नहीं दोगे? सलाजार ने नफ़ी में सर हिलाया। एक बात पूछूं? वो बोली, तुम पूछती ही तो हो। उसे लगा वो और करीब आई तो शायद वो अपने वादे से फिर जाएगा, लिहाजा वो इससे थोड़ा और दूर हो गया था। मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ सलाजार, वो बोली। जहरा की ठंडी हवा और सलाजार की खुशबू, वो उसके मना करने के बावजूद उसकी आंखों में देख रही थी। जान लो मुझे, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आंखें क्यों बंद कर लेते हो? वो शायद उसके तिलिस्म से बाहर आई थी। मैंने तुम्हें कहा है कि मेरी आंखों में ना देखा करो, तुम्हारे हवास तुम्हारा साथ नहीं देते। और सलाजार की बर्दाश्त जवाब देने लगती है मसनवा, वो बोला। मुझे ले चलो अपने साथ, उसका अगला जुमला उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर गया था। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वो बोला। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा हर लम्हा अब सिर्फ तुम्हारे नाम से बन गया है। ये दिल और ये जिस्म अब किसी और का नहीं होगा। मुझसे नहीं रहा जाता तुमसे दूर। मसनवा को इस आग में जलना है, तुम मुझे रोको मत। उसकी आवाज़ उसके जज्बात की शिद्दत से लरज रही थी। मैं ये नहीं कर सकता, वो उसके सामने से हट गया था। ये शिद्दत खुद भी उसकी ज़ात का हिस्सा थी, पर दोनों तरफ एक जैसी आग हो तो जज्बात अक्सर भड़क जाया करते हैं, और आग जैसे जज्बात को अगर भड़क जाते तो संभालना मुश्किल हो जाता। कमरे में हिद्दत बढ़ गई थी। क्यों नहीं कर सकते? मैंने सुना है जिन जिस पर कब्जा कर लें उसे अपने साथ ले जाते हैं, वो बोली। सलाजात सुन हुआ था, वो उसकी तरफ पलटा। मैंने तुम पर कब्जा नहीं किया मसनवा, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी तिलिस्म की कैद में गिरफ्तार होकर मुझसे इश्क कर बैठी हो? अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ आना छोड़ दूंगा। उसकी आंखें जल उठी थी। मसनवा को लगा उसके दिल के धड़कन रुक जाएगी। नहीं, मैं किसी तिलिस्म के जेर असर नहीं हूँ। मेरा दिल तुमसे मिलने से पहले ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। तुम इस रिश्ते को इतना आम ना समझो, उसे दुख हुआ था। तुम जानती हो मैं कभी दुख की कैफियत से नहीं गुजरा। मुझे नहीं पता दुख कैसा होता है, पर मैंने शाह साहब को कई दफ़ा दुख की कैफियत में रोते देखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मिलने से मुझे वो कैफियत भी महसूस होगी। वो उसके करीब आ गया था। इससे ज़्यादा बर्दाश्त उसके वजूद पर भारी पड़ रही थी। मसनवा उसकी खुशबू से बेकाबू होने लगी। अगर मैं तुम्हारे दुख की वजह बनी तो मेरी दुआ है कि मैं तुमसे पहले फना हो जाऊँ, वो बोली। और सलाजार ने बेख्तियार अपने हाथ उसके लबों पर रख दिए थे। वो कभी भी मसनवा के मुँह से ये बात नहीं सुनना चाहता था। उसे अंदाज़ा हुआ कि शाह साहब को उसकी बातों पर कैसा लगता होगा, और वो जो वैसे ही उसके लम्स के लिए बेताब हो रही थी, इस तपिश को बर्दाश्त न कर पाई और बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ी थी, पर वो लम्हों में पीछे हटा था। नहीं मसनवा, ये आग तुम्हें पिघला देगी। अगर सलाजार ये इख्तियार रखता भी है तो वो किसी भी वक्त तुमसे मिलने आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी हदूद भूल गया है। मैं जानता हूँ कि हम में से कुछ कब्जा करने के लिए तिलिस्म से काम लेते हैं, मगर सलाजार तुम्हें हमेशा आज़ाद रखेगा, क्योंकि वह जानता है कि मसनवा सिर्फ उसी की है, वो बोला। तुम्हें मुझसे जुदा करवाने के लिए कोई तुम्हारे जिस्म को तकलीफ दे या उसका जादू तुम पर चल जाए, मैं ये मौका ही नहीं दूंगा। मसनवा को सलाजार से दूर करने के लिए कोई मंत्र बना ही नहीं। हम साथ नहीं रह सकते हर वक्त, वो तो बस उसकी थी और अब उसी की होकर रहना चाहती थी। तुम इस वक्त को पूरी तरह महसूस करो मसनवा, कल क्या होगा ये ना मैं जानता हूँ ना तुम। वो अब उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। मगर तुम लोग तो सब कुछ जानते हो, वो बोली। हम सब कुछ नहीं जानते, और सलाजार उनमें से है जो हम सब कुछ जानते हैं का दावा करने वालों का खात्मा करता है। क्या मतलब? वो हैरान हुई। मैं फिर यही कहूँगा कि ये वक्त इन बातों का नहीं है, वो उसके बालों से खेलती हवा से महफूज हुआ। तो फिर ये वक्त किन बातों का है? ना मैं तुम्हें छू सकती हूँ, ना मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा सवाल कर सकती हूँ, ना तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो, और ना ही तुम मुझे ये बता सकते हो कि हम इस रिश्ते को आगे कैसे लेकर चलेंगे। मेरे लिए एक लम्हा भी तुम्हारे बगैर गुजारना मुश्किल हो रहा है, वो रोने लगी। मेरी बेबसी और मेरी बेचैनी को तुम महसूस कर सकते हो। क्या तुम जानते हो कि मैं किस जहनी अजियत से गुजर रही हूँ? मैं अपने घर वालों को क्या बताऊँ
कि मैं अपने ख्वाबों में आए उस चेहरे से मोहब्बत कर बैठी हूँ जो हकीकत बनकर मेरे सामने मौजूद है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हम साथ कैसे रहेंगे और कब तक रहेंगे, मैं कुछ नहीं जानती। तुम कहते हो कि तुम मुझे आवाज़ दोगी तो मैं आ जाऊँगा, और कल मैं सारी रात तुम्हें आवाज़ें देती रही। मुझे इन सवालात की अज़ियत से निकालो, मेरी मदद करो, इतना तो कर सकते हो ना। वो रो रही थी। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो मसनवा, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। कल मैं इसलिए नहीं आया कि मैं अपने फ़र्ज़ के आगे कुछ नहीं देखता। तुम यूँ समझो जैसे तुम्हारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत एक फ़ौजी करता है, मैं अपने कबीले की हिफाजत उसी तरह करता हूँ। अगर मैं तुम्हारे आवाज़ देने पर ना आऊँ तो तुम समझ लेना कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, मगर सलाजार फ़र्ज़ पूरा करते ही आएगा, तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा और तुम किसी को जवाब नहीं दोगी। अभी तो मैं खुद नहीं जानता कि हम अपने रिश्ते को क्या नाम देंगे, पर मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। वो वाकई उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। फिर मुझे अपने साथ ले चलो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कहाँ से आते हो, वो ज़िद कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जिसके सामने पूरा कबीला खामोश खड़ा रहता था, आज इस आदमजादी के आगे मजबूत खड़ा था। ठीक है, मगर आज नहीं, मैं कल तुम्हें लेकर जाऊँगा, और तुम वादा करो कि तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। मस्तवा ने आंसू पूछते हुए सर हिला दिया था। अब मैं चलता हूँ, फजर का वक्त हो रहा है और हवेली वाले उठने वाले हैं। वो ये बोलकर हवा में तहलील हो गया था और मस्तवा खुशी से अपने कमरे में झूमने लगी। वो सलाजात के साथ इसकी दुनिया में जाने वाली थी और उसने सोच लिया था कि वहाँ जाने के बाद उसे यहाँ वापस नहीं आना है। वह सब नमाज पढ़कर हवेली के अंदर दाखिल हुए थे। बाबा जान बाकी सबके साथ अंदर चले गए थे, मगर वह वहीं ठिठक गया। उसे हवेली की छत से किसी का आंचल लहराता नजर आया था। इस वक्त छत पर कौन जा सकता है, वह सोचने लगा, और फिर उसके जहन में वो नाम बिजली की तरह कूंदा था, मस्नवा। न जाने और कितने बचपने करेगी ये, वो सोचता हुआ तेजी से अंदर गया था। इससे पहले कि किसी और की नजर उस पर पड़ती, वो जाकर उसको नीचे बुला लाता। उसके कदम तेजी से हवेली की छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ रहे थे, और फिर उसने अचानक मस्नवा के गुनगुनाने की आवाज़ सुनी थी। वो छत की तरफ खुलने वाले दरवाजे के पीछे रुक गया। उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। वो ये नहीं चाहता था कि माँ जी को पता चले कि वो छत पर मौजूद है, और वो भी अकेले। लिहाजा दरवाज़ा खोलकर छत पर आ गया और वह उसे छत के एक कोने में खड़ी नजर आ गई। उसका मुँह किले की तरफ था और उसके लब मुसलसल कुछ गुनगुनाने में मसरूफ थे। शाहमीर को खौफ महसूस हुआ। वह चलता हुआ उसके करीब आ गया और उसे आवाज़ दी, मस्नवा। पर वो उसे सुन रही होती तो पलटती। मस्नवा, उसने उसे दोबारा आवाज़ दी और उसकी दूसरी आवाज़ पर वो पलट गई थी। अस्सलामुअलैकुम, उसने पलटते ही सलाम किया था। शाहमीर ने सुख का सांस लिया, वरना उसे यकीन हो चला था कि मस्नवा के साथ कोई गड़बड़ हो चुकी है। तुम इस वक्त अकेले ऊपर क्या कर रही हो, वो बोला। बस यूं ही खुली हवा में सांस लेने के लिए आ गई थी, उसने बात बनाई। वो यहाँ करीब से इस किले को देखने आई थी जहाँ उसका सलाजार रहता था, और उस हवा में उसकी खुशबू बसी थी। खुली हवा तुम्हें अपने कमरे के टेरेस से भी महसूस हो सकती है, वो बोला। यहाँ हर बात पर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाई जाती हैं, ना अकेले कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं। अब घर से बाहर तो नहीं हूँ, घर के अंदर ही हूँ ना, वो उकताई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर तुम जानती हो इसके पीछे क्या वजह है, और मैं तुम्हें ये बात बहुत तफसील से बता चुका हूँ। वो अपने सवाल पर शर्मिंदा हुआ था, पर वो दोबारा किले की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। सलाजार उस पर क्या जादू करता, उसने अपने आप को खुद उसकी कैद में दे दिया था। मस्नवा, तुम ठीक हो, शाहमीर को न जाने क्यों अपने खदशे सही साबित होते लग रहे थे। बिल्कुल ठीक हूँ, उसने इस दफा किले से नजरें नहीं हटाई थी। चलो चलें, नाश्ते का टाइम हो रहा है, वो बोला। आप जाएं, मैं आ जाऊंगी, वो बोली। मैं यहीं खड़ा हूँ, जब तुम्हारा दिल भर जाए तो मुझे बता देना, वो बोला। आखिर मसला क्या है आपके साथ, आप मुझ पर अपना हक क्यों जताने लगते हैं। जब मैं कह रही हूँ कि मैं आ जाऊंगी तो आ जाऊंगी, वो जोर देकर बोली। तुमने हक जमाने की मोहलत नहीं दी है मस्नवा, और यह हक जमाने वाली बात नहीं है, यहाँ बात तुम्हारी हिफाजत की आती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बचाने के लिए सबसे आगे खड़ा नजर आऊंगा, वो बोला। मुझे किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं, आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें,
वो उसकी मौजूदगी से डिस्टर्ब हो रही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें और कितना वक्त चाहिए। न जाने किस जज्बे के तहत वह इस वक्त ये सवाल कर बैठा था। वो हैरत से पलटी, किस चीज़ के लिए वक्त? हमारी शादी के लिए। वह साफ बात करने के मूड में था। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती, वो बोलकर दोबारा पलट ही रही थी कि वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वजह? अब मैं वजह जानना चाहता हूँ, वो उसकी आंखों में देख रहा था। एन उसी लम्हे मसनवा के आसपास वह खुशबू फैल गई। सलाजार आ रहा था या शायद आ चुका था। मसनवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे इस तरह छत पर नहीं आना चाहिए था। अगर आ ही गई थी तो शाहमीद को वहां देखते ही उसे नीचे चले जाना चाहिए था। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, वह साफ साफ बोल गई। वो सकते में आ गया था। मैं नहीं मानता इस बात को, तुम झूठ बोल रही हो। उसे शदीद गुस्सा आया था और उसी वक्त मसनवा को शाहमीर की पुश्त पर सलाजात हवा में मुअल्लक नजर आया था। उसकी आंखों में हैरानी, खुशी और अनहोनी का डर एक साथ जाहिर हुआ और वो जो वैसे ही उसकी आंखें पढ़ रहा था सुन होकर रह गया था। वो उसके पीछे किसी को देख सकती थी। वो पलटा मगर वहाँ कोई नहीं था। सलाजार ने मसनवा को खामोश रहने का इशारा किया था। वो एक नज़र शाहमीर पर डालकर नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शाहमीर उसे जाता देख रहा था और फिर वापस पलटा था। सलाजार उसके बिल्कुल सामने था पर वह उसे देख नहीं सकता था। हाँ, उसे अपने चेहरे पर बेपनाह हिद्दत का एहसास हुआ था। वो दो कदम पीछे हटा। माँ जी को बताना ज़रूरी हो गया था। वो फौरन पलटकर नीचे उतर आया। सलाजार उसके दिल का हाल जान गया था मगर अब उसे मसनवा से अलग करना नामुमकिन था। वो हर जंग में कहर बनकर टूटने वालों में से था और ये तो उसकी अपनी जंग थी। शाहमीर छत से नीचे आया पर माँ जी किचन में नाश्ता बनवाने में मसरूफ़ थीं। वो उन्हें मसरूफ़ देखकर खामोशी से पलट आया। वो नाश्ते के फौरन बाद उनसे बात करने का इरादा रखता था। नाश्ता करने के दौरान वो उसे नोट करता रहा मगर वो आम अंदाज में नाश्ता कर रही थी और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई, जबकि आम तौर पर इस वक्त वह सहन में बैठा करती थी। वो माँ जी के फारग होने का इंतज़ार करता रहा और फिर जैसे ही वो अपने कमरे में गई थी वो उनके कमरे के बाहर खड़ा दस्तक दे रहा था। आ जाओ अंदर, अंदर से माँ जी की आवाज़ आई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वो बोला। वालेकुम सलाम बेटा, वो उसे देखकर मुस्कुराएं। माँ जी, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, वो बोला। हाँ बोलो, क्या बात है? वो उसे गौर से देखने लगी और उसने मसनवा के रवैये में आई तब्दीली और छत पर होने वाले वाक्य के बारे में उन्हें बता दिया। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासरात उभर आए। तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, वो बोली। पहले मुझे इस बारे में यकीन नहीं था मगर आज के वाक्य के बाद मुझे यकीन हो चला है कि उसके साथ कोई गड़बड़ जरूर हुई है, वो बोला। ठीक है, तुम मसनवा को मेरे पास भेजो, बल्कि नहीं, तुम नहीं, मैं मुलाजिम के हाथ कहलवाती हूँ। ऐसा ना हो तुम्हें देख कर वो मजीद नाराज हो जाए। इन मामलों में ज़बरदस्ती या गुस्सा करना ठीक नहीं होगा, पहले मैं उससे बात कर लेती हूँ, वो बोली और वो उनसे इजाज़त लेकर बाहर निकल गया था। उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी और महजबी को बुलवाने का कहा था। मसनवा से पहले वो उसकी माँ से बात करना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद ही महजबी कमरे में दाखिल हुई थी। अस्सलामुअलैकुम भाभी, आपने मुझे याद किया, वो बोली। हाँ महजबी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो बोली। जी बोलें, खैरियत है? आज से पहले भाभी ने उन्हें इस तरीके से नहीं बुलवाया था और जवाब में उन्होंने शाहमीर की बताई सारी बातें उनके सामने रखती थीं और वो अपना दिल पकड़ कर बैठ गईं। हौसला रखो महजबी, अभी हमें ये नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है और तुम अभी से हिम्मत हार बैठी हो। तुम जानती हो इन मामलात में बेहतियाती ठीक नहीं होती और वैसे भी वो यहाँ नहीं है। मुझे ज़रा इस बात की तह तक जाने दो, उसके बाद हम बाबा जान के पास चलेंगे, वो उन्हें दिलासा देते हुए बोली। मैं मसनवा को बुलाती हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम्हारे सामने बात कर लूँ, वो बोली और महजबी ने इस बात में सर हिला दिया। उन्होंने मुलाजिम से मसनवा को बुलाने का कहलवा भेजा और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आ जाओ, उन्होंने आवाज़ दी और महजबी को खामोश रहने का इशारा किया। मसनवा कमरे में दाखिल हुई थी पर वो कमरे में दाखिल होते ही ठिठक कर रुक गई। मामा भी वहाँ मौजूद थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस पर शाहमीर के रिश्ते के लिए जोर दिया जाना था? आओ, रुक क्यों गई, वो बोली। नहीं कुछ नहीं, वो ये बोलकर खामोशी से महजबी के बराबर आकर बैठ गई। बेटा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, माँ जी ने बात शुरू की। जी बोलें, वो उनके आगे कुछ नहीं कह सकती थी लिहाजा मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गई। तुम्हारा इन दिनों में अकेले किले की तरफ जाना हुआ है या तुमने कोई ख़ास बात महसूस की हो, वो बोली।
और मस्तवा चौंकी थी। उनकी नजरों से उसका चौंकना छुपा नहीं था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं हवेली के अंदर ही रही हूँ, वो बोली। क्या तुम अब भी खुशबू का इस्तेमाल कर रही हो? वो उसे अब जांचती नजरों से देख रही थी। नहीं, वो तो मैंने उसी दिन से छोड़ दिया था जिस दिन से ये सब मेरे कमरे से परफ्यूम्स की बोतलें उठाकर ले गए थे। आप मेरे कमरे की तलाशी दिलवा सकती हैं। वो मामा के सामने उनसे बहस नहीं करना चाहती थी, लिहाजा जो वो पूछ रही थी वो उसका सीधा सीधा जवाब दे रही थी। क्या तुम्हें नींद में डर लगा या कमरे में कोई ऐसी चीज जो तुमने महसूस की हो? वो बोली। आप लोगों ने उस दिन भी मुझसे इस तरह के सवाल किए थे और मैंने आपको बताया था कि मैंने इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं किया। उसे कोफ्त हुई। तुम नमाज बाकायदगी से पढ़ रही हो ना? उसने इस बात में सर हिला दिया था, मगर इस सवाल पर उसे गुस्सा आया था। जाओ बेटा, कुरान पाक उठा लाओ, उन्होंने इशारा किया। वो खामोशी से चलती हुई उनकी अलमारी तक गई और अलमारी खोलकर कुरान पाक निकाल लाई। बैठो, उन्होंने इशारा किया और वो बैठ गई। ममा दम साधे उसे तक रही थी। सूरह बकरा की तलावत करो, वो हैरान नजरों से उन्हें देखने लगी। देखो बेटा, हमें कुछ चीजें मालूम करनी है और ये बहुत जरूरी है। तुम इस बारे में सोचकर परेशान मत हो और अपनी माँ से नाराज भी ना होना, वो उसे समझाने लगी। वो सर झुकाकर कुरान की तलावत करने लगी। तलावत करते हुए उसके हाथों में कोई जुम्बिश नहीं थी, ना ही उसके चेहरे पर कोई परेशानी। वो दोनों उसे नोट करती रही, मगर वो आम अंदाज में तलावत कर रही थी। बस ठीक है, तुम जा सकती हो, उन्होंने कहा और वो कुरान बंद करके वहां से बाहर निकल गई। ये तो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में हर काम कर रही है, पहजबी बोली। ये भी हो सकता है कि शाहमीर को कोई वहम हुआ हो, लेकिन फिर भी मैं बाबा जान तक ये बात पहुंचा दूंगी, तुम बेफिक्र रहो, वो उन्हें तसल्ली देने लगी। महाजबी ने सुख का सांस लिया था। वो तेजी से अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में आते ही उसने सलाजाद को पुकारा और उसकी आंखें खोलने से पहले वो उसके सामने खड़ा था। वो मुस्कुराई। मुझे दिन के वक्त यहाँ ना बुलाया करो, अगर तुम्हारी आवाज किसी तक चली गई तो उन्हें तुम पर शक हो जाएगा, वो बोला। शायद उन्हें शक हो गया है, वो कंधे उचकाकर बोली। वो मुझसे कुरान की तलावत करवा रहे थे, और ये सुनते ही सलाजाद हंसने लगा। वो उसे हैरत से देखने लगी, वो शायद खुलकर हंस रहा था। सलाजाद की हंसी, उफ। मसनवा के दिल की धड़कन मिस हुई। क्या हुआ? वो पूछना चाहती थी कि उसमें ऐसी क्या बात थी जो सलाजाद को इतनी हंसी आई। मैं कोई शैतान जिन तो हूँ नहीं, और ना ही मैंने तुम्हारे जिस्म पर कब्जा कर रखा है, तो मैं भला तलावत से कैसे भागूंगा जबकि सलाजाद का वजूद इस तलावत से मुअत्तर है। उनकी गलती नहीं, लोग जिन भगाने के लिए अक्सर यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हर जिन कब्जा करने वाला नहीं होता। वो हंसने लगा था, वो उसे आंखों में जज्ब करने लगी। वो हंसते हंसते रुका था और उसकी आंखों के आगे अपने हाथ से रुकावट खड़ी कर दी थी। क्यों, अब तुम्हें छूने के साथ साथ देखना भी मना हो गया है? वो वैसे ही खड़ी रही, उसने हाथ हटा दिया था। नहीं, मगर तुम्हारी नजरों की तपिश सलाजाद की नजरों से ज्यादा है, वो बोला। अच्छा एक बात तो बताओ, वो चलती हुई उसके करीब आ रही थी। वो फिर से पीछे हट गया, मगर इस बार वो मुस्कुरा रहा था। वो हमेशा उसे छूने की कोशिश करती थी जैसे वो कोई कीमती चीज हो, और सलाजाद को उसे बाज रखने के लिए पीछे हटना पड़ता था। पूछो, सलाजार तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा, वो बोला। मुझे तो लगता था तुम शाहमीर को जिंदा नहीं छोड़ोगे, वो बोली। सलाजार उसकी बात सुनकर बेतहाशा हंसा था। मैं किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाता, वो बोला। बिला वजह? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि वो मुझसे क्या बात कर रहा था? तुम उसके दिल का हाल जान गए थे या नहीं, वो बोली। हाँ, मैं उसके दिल का हाल जान गया था, मगर इससे पहले मैं मसनवा के दिल का हाल जानता हूँ, और जब मुझे ये पता है कि वो सिर्फ मेरी है तो मैं किसी को नुकसान क्यों पहुँचाऊँगा, वो बोला। तुम्हें जलन नहीं होती? और इस बात पर सलाजाद को लगा कि वो आगे बढ़कर उसको खुद से लगा ले। वो हंसता ही चला गया। मसनवा के चेहरे पर नाराजगी आई थी जिसे देखकर वो खामोश हो गया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, वो हफगी से बोली। जलने वाले को क्या जलन होती होगी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो मुस्कुराया। तुम मुझे कहानियों में पड़े हुए जिन की तरह समझती हो, जबकि हमारे कबीले होते हैं, खानदान होता है, हमारे रहने सहने के तरीके, खाना पीना, शादी ब्याह, सब कुछ तुम लोगों की तरह ही होता है, वो उसे समझा रहा था। वो हैरानी से उसे देखने लगी। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे लेकर जाओगे अपने साथ। हाँ, आज रात लेकर जाऊंगा, इस बार वो अपना वादा पूरा करके दिखाने वाला था। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी, वो बोली। तुम्हें मेरे कबीले से मिलने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं,
बल्कि तुम्हारे हुस्न को किसी आराइश की ज़रूरत ही नहीं, जैसी हो वैसी ही चलना। वो बोला, हम क्या उड़कर जाएंगे? वो पूछने लगी, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, और हम वहाँ कैसे जाएंगे इसकी फ़िक्र तुम मुझ पर छोड़ दो। अब मैं चलता हूँ, मुझे आवाज़ ना देना, मुझे तुम्हारे आने की तैयारी करनी है। वो ये बोलकर हवा में तहलील हो गया था। उसने उसकी जाती खुशबू को अपने अंदर उतारा और खुशी से बेड पर लेट गई। आज रात वो सलाजार के साथ जाने वाली थी, कभी वापस ना आने के लिए। शाहमीर बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। माँ जी ने उसे बताया था कि फिक्र की कोई बात नहीं है, मगर उसकी नज़रों के सामने से मसनवा की वो आंखें नहीं हटती थीं। यह ठीक था कि उसने उसे परेशान देखकर अपने दिल को तसल्ली दे दी थी कि शायद वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, मगर अब वो किसी रेत की मानद उसकी मुट्ठी से फिसलती जा रही थी। वो इसे अपने लिए लाजम मलजूम कर बैठा था, अनजाने में ही सही, मगर अब यह उसके इख्तियार में नहीं रहा था। वो तो कितने दिन से ये सोचकर परेशान था कि अगर वो वापस चली गई तो वो ये वक्त कैसे गुजारेगा। इसलिए जाने से पहले वो उसे अपने नाम से मंसूब करना चाहता था, मगर वो उसे साफ इनकार कर चुकी थी ये बोलकर कि वो किसी और को चाहती है, जबकि वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि जब वो यहाँ आई थी वो किसी को पसंद नहीं करती थी। तो अब ये बात वो इतनी बहादुरी से कैसे बोल सकती थी? उसकी आंखों के आगे बार बार छत वाला वो मंजर नजर आ रहा था। उसने खुद वहाँ किसी की मौजूदगी महसूस की थी। क्या मुझे मसनवा से खुद बात करनी चाहिए? वो सोचने लगा। नहीं, मेरे ख्याल से मेरे बात करने से वो मजीद नाराज होगी, तो फिर ये बात मैं किस से करूँ? शाह साहब, अचानक उसे ख्याल आया था। वो हवेली से बाहर आ गया। अकरम उसे देखकर खड़ा हो गया था। कहाँ चलना है? वो पूछने लगा। मुझे शाह साहब के हुजरे ले चलो, वो संजीदगी से बोलता ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर जा बैठा। अकरम उसे हैरत से तकता रहा, क्योंकि शाहमीर को अच्छी तरह पता था कि अकरम वहाँ जाने से घबराता है। अगर तुम नहीं आ रहे तो मैं खुद चला जाता हूँ, वो उसे वहीं खड़े देखकर बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो ये कहकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आज शाहमीर ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा था, उसने रास्ते में भी कोई बात नहीं की थी, लिहाजा अकरम खामोशी से ड्राइव करता रहा। गाड़ी रुकते ही वो बगैर कुछ कहे उतर कर हुजरे में दाखिल हो गया था। अकरम खामोशी से उसे अंदर जाता देखता रहा। हुजरे के सहन में दोपहर उतर रही थी और बच्चे अपना सबक लेकर जा रहे थे। शाह साहब उसे अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठे नजर आए। वो खामोशी से जाकर एक तरफ बैठ गया। उन्होंने एक नज़र उस पर डाली और बच्चों को जाने का इशारा कर दिया। बच्चे एक एक करके वहां से निकलने लगे और सहन के खाली होते ही वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। कैसे आना हुआ मेरे बच्चे? वो शफकत से बोले। मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, पर इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे अलावा यहाँ कोई और मौजूद है? उसका इशारा दूसरी मखलूकात की तरफ था। वो चौंके और नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि इस वक्त वहाँ वाकई कोई मौजूद नहीं था। बड़ी फूफू बहुत अरसे के बाद गिलगित से हवेली आई हैं और उनका मकसद शादी में शिरकत करना था। उनकी सबसे बड़ी साहबजादी मसनवा यहाँ पहली दफ़ा आई हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हदबंदी से बाहर निकल आया है, कोई है जो हवेली आता है, वो संजीदगी से बोला। और शाह साहब खामोश हो गए थे। क्या आपने कुछ देखा या महसूस किया? थोड़ी देर बाद वो बोले, नहीं, और घर वाले भी यही कहते हैं कि ये मेरा वहम है, मगर आज सुबह कुछ ऐसा हुआ जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर गया कि ये मेरा वहम नहीं है, वो बोला। और उसने छत वाला वाकया उनके गोश्त गुजार कर दिया। वो खामोशी से सारी बात सुनते रहे। क्या आपके घर में किसी को नुकसान पहुंचा है? वो जानते थे सलाजार ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बोला। ठीक है, मैं इस मामले को देख लेता हूँ, मैं आज शाम उनकी तरफ जाऊँगा। वो इससे ज़्यादा उसे कोई तसल्ली नहीं दे सकते थे। क्या मैं बेफिक्र हो जाऊँ? वो पूछने लगा। क्या तुम्हें उस लड़की की फिक्र है? उन्होंने जवाबन उससे सवाल किया और उसने खामोशी से नज़रें झुका दी थी। मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं कि किसी को उसके बारे में बात करने की बजाय अपनी नज़रें झुकानी पड़े। उनके कानों में सलाजार का जुमला गूंजा। तुम जा सकते हो, वो बोले। वो उठकर बाहर निकल गया। मामलात उनकी सोच से ज़्यादा गंभीर हो चुके थे। उन्होंने अपनी जोजा को आवाज़ देकर मीठा बनाने का कहा था और वह समझ गई थी कि वह शाम को सलाजार की तरफ जाने वाले थे, लिहाजा वो बावर्ची खाने की तरफ चल दी, मगर वो खामोश बैठे थे। शायद ज़िंदगी में पहली बार उन्हें सोचना पड़ रहा था कि वो सलाजार से क्या बात करेंगे। मगरिब की अजान सुनते ही वो वापस किले की तरफ रवाना हो गया। वो मसनवा से मिलने के बाद से अब तक मुसलसल सरहदों पर था, पर अब उसे अजलान से बात करनी थी। वो किले में दाखिल हुआ तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक नमाज के बाद कबीले के लोग बाहर निकल आए थे। बूढ़े, बच्चे, औरतें,
नौजवान सब ही इधर उधर मशगूल थे। वो उनके दरमियान से होता हुआ अजलान की तरफ बढ़ रहा था। नमाज पढ़ते ही वो बयान देने के आदि थे और उनके इर्द गिर्द जन्नात इकट्ठे होकर बैठे रहते थे, पर उनके करीब पहुंचते ही वो रुक गया था। उसे शाह साहब अजलान के बराबर बैठे नजर आए थे। आओ सलाजार, रुक क्यों गए? वो उसे रुकता देख कर खुद उठ खड़े हुए थे। वो खामोशी से उनके बराबर जाकर बैठ गया। वो अजलान का बयान सुनने में मसरूफ हो गए। वो भी गर्दन झुकाए बैठा रहा। वो वक्तन फवक्तन उस पर नजर डाल लेते थे। बयान खत्म होते ही जन्नात अपने अपने खानदानों की तरफ बढ़ गए। अब वहाँ अजलान, सलाजार और शाह साहब मौजूद थे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खीर लाया हूँ। वो उसकी तरफ खीर का डब्बा बढ़ाते हुए बोले। उसने खामोशी से खीर लेकर एक तरफ रख दी थी। अजलान हैरान हुए। शाह साहब ने उन्हें आंखों से तन्हाई देने की दरख्वास्त की थी। वो सर हिलाकर वहां से उठ गए। तुम नाराज हो मुझसे? वो तन्हाई पाकर उससे बोले। उसने नफी में गर्दन हिला दी थी। आज मेरे पास हवेली से शाह मीर आया था, वो बोले। वो सर उठाकर उन्हें देखने लगा। मैं उसके दिल का हाल पढ़ चुका हूँ, वो बोला। फिर भी तुम चाहते हो कि? उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ज्यादा अहम यह है कि मसनवा क्या चाहती है। उसने भी वही नाम लिया जो शाह मीर उनके सामने ले रहा था। वो उसे देख कर रह गए। तुम क्या चाहते हो सलाजार? ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इस तरह इशारों में बात करेंगे तो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकेंगे। इस दफ़ा वो उसे प्यार से समझाना चाहते थे। क्या मैं ये वक्त अपने लिए नहीं जी सकता? ये हदूद कोई ख़त्म नहीं कर सकता। क्या मेरी बरसों की रियाजतों के सिले में वो मुझे नहीं मिल सकती? वो उनसे पूछ रहा था। उनकी आंखें पानियों से भर गईं। उनका बस चलता तो वह सारी दुनिया की खुशियाँ उठाकर उसके सामने ढेर कर देते। वो आदमजादी है सलाजार, उन्होंने उसे याद दिलाना चाहा। और मैं कौन हूँ? वो बोला। जिनजाद और आदमजाद का मिलना नामुमकिन है, वो धीमे लहजे में बोले। मैं इश्कजाद हूँ, मुझे नहीं फिक्र आदमजाद या जिनजाद की। इश्क के अपने असूल होते हैं। वो इन सब बातों की कैद से आज़ाद है, वो बोला। पर अब उसे बेचैनी ने घेर लिया था। तुम वादा करो कि अब तुम वहाँ नहीं जाओगे, वो शफकत से उसे समझाने लगे। मैं वहाँ जाऊँगा और उसे यहाँ लेकर आऊँगा, वो उठ कर खड़ा हो गया था। उन्होंने देखा उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। सलाजार, तुम अपने कबीले में खड़े हो, उन्होंने उसे याद दिलाना चाहा। सुन ले सब, मैं उसे यहाँ लेकर आऊँगा, वो मेरी है। वो आपे से बाहर हो रहा था। शायद इतने दिन से अंदर पलती वो अजियत अब लावा बनकर बाहर निकल रही थी। वो खड़े हो गए। सलाजार का जलाल सबको नजर आ रहा था। उसके वजूद से आग निकलने लगी थी। अजलान, जो दूर से ये सब देख रहे थे, फौरन उनके करीब आए थे। क्या बात है, क्या हुआ है? वो उसकी तरफ देखकर बोले, और जवाबन उसने मुंह फेर लिया था। पर उसके वजूद से निकलती आग ये बावर करा गई थी कि सलाजार को किसी बात पर बेतहाशा जलाल आया था। वो शाह साहब की तरफ पलटे। क्या बात हुई है, आप बताएं, वो परेशान हो रहे थे। मैं चलता हूँ, वो ये बोलकर मुड़ने लगे थे कि अजलान ने उन्हें रोक लिया। क्या उसने आपसे गुस्ताखी की है? उनके चेहरे पर गुस्सा आया। नहीं, मगर ये अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो बोले। सलाजार, क्या बात हुई है? वो उनकी बातें सुनकर परेशान हो गए थे। वो बगैर जवाब दिए खामोश खड़ा रहा। कबीले के जन्नात आहिस्ता आहिस्ता वहां जमा होने लगे थे। उन्होंने सलाजार को इस जलाल की कैफियत में बहुत कम ही देखा था। करतास मजमे से निकल कर सामने आ खड़ा हो गया। फिर कभी बात करेंगे, वो जाने लगे। वो नहीं चाह रहे थे कि सबको खबर हो, पर अचानक ही वो धाड़ा था। किले की दीवारें और मजमा के दिल दहल गए थे। ये बात आज ही होगी, सलाजार बोला। मैंने आपको कहा था कि मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं कि उसके बारे में बात करने के बजाय किसी को अपनी नजरें झुकानी पड़े, तो ये बात आज ही होगी, वो जोर देकर बोला। अजलान उसकी बात सुनकर हैरत ज़दा थे। मोहब्बत? सलाजार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो बोले। कोई बात नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, शाह साहब ने सलाजार को इशारा किया। जी मोहब्बत, मैं मसनवा से मोहब्बत करता हूँ, इश्क, इश्क करता हूँ मैं उससे, वो बोला। किस से? वो उससे पूछ रहे थे और शाह साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। ये वो मंजर था जो वो देखना नहीं चाहते थे। किस कबीले से है वो पूछने लगे, क्योंकि उनके कबीले में ये नाम किसी का नहीं था। वो आदमजादी है, वो बोला, और मजमे को सांप सूंघ गया था। अजलान को लगा शायद उनके लिए अब हिलना नामुमकिन होगा। सलाजार, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो बोले। जी मैं जानता हूँ,
और इश्क पर किसी सरहद की कोई कैद नहीं। मुझे पूरा हक है अपनी मर्जी से कोई भी फैसला लेने का, वो बोला। उन्होंने एक नज़र शाह साहब पर डाली और वो खामोश खड़े थे। क्या आप जानते हैं ये पहले से? उन्होंने इस बात में सर हिला दिया था। वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगे। क्या तुम जानते हो ये बात तुम्हारे लिए कितनी नुकसानदेह है? वो बोले। आपने समझाया क्यों नहीं? अजलान दोबारा शाह साहब की तरफ पलटे, मगर वो अब भी खामोश थे। उन्होंने मुझे समझाया था, पर यह चीज़ मेरे बस से बाहर हो चुकी है, वो बोला। पूरा कबीला आहिस्ता आहिस्ता जमा हो चुका था। ये नहीं हो सकता सलाजार, वो बोले। क्यों नहीं हो सकता? मैं सबके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, तो फिर आप लोग मेरे लिए ये नहीं कर सकते? मैं अपने मकसद के लिए इतने अरसे से लड़ रहा हूँ, तो क्या अब मुझे इस बात का हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से किसी को चुन सकूँ? वो बोला। तुम्हें हक है, मगर वो जिन जादी ही हो, वो बोले। मैं सिर्फ मसनवा का हूँ सलाजार, सिर्फ मसनवा का है, बस वही है जो मेरे वजूद का हिस्सा बनेगी, वरना सलाजार अपने वजूद को ख़त्म कर देगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें शोले उगलने लगी थीं। करतास काम गया, उसके वजूद से आग निकल रही थी, वह पूरी तरह जल रहा था। वो तेज़ी से इस चबूतरे से उतरकर मजमे की तरफ बढ़ा और मजमा उसके लिए रास्ता बनाने लगा। वह एक एक करके उसके सामने से हट रहे थे और वह तेज़ी से उनके बीचों बीच निकल रहा था। जाते जाते वो पलटा। अजलान और शाह साहब उसे ही देख रहे थे। मैं आज रात उसे यहाँ लेकर आऊँगा, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसके आने की तैयारी कर लें। वो ये बोलकर वहाँ रुका नहीं था। शाह साहब की आंखों से आंसू रवा हो गए थे और अजलान जानते थे कि वो जो कहकर गया है करेगा ज़रूर। पूरे कबीले में ऐसा कोई नहीं था जो उसे रोक सकता। वो खामोशी से उसके दहकते वजूद को वहाँ से जाता देख रहे थे और थोड़ी देर बाद वो उनकी नज़रों से ओझल हो गया था। ये कहानी अभी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। शुक्रिया।